जेईटी 2024 के रिजल्ट को लेके एक ऑफिशियल साइट पे ऐसा नोटिस आया है जिनको देखने के बाद में सबके मन में निराशा हो रही है कि आखिर जेईटी के रिजल्ट के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जेईटी 2024 का रिजल्ट जो आज जारी होने वाला था वो आखिरकार आज जारी नहीं हो रहा है, ये रिजल्ट कब जारी होगा और रिजल्ट इतना लेट क्यों जारी होगा, पूरा डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जेईटी का रिजल्ट 19 तारीख को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, कल तक का यही अपडेट था, लेकिन आज सडनली एक अपडेट आता है जिसमें लिखा आता है कि जेईटी का रिजल्ट है वो आपके जून के लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। मैं बताऊंगा किस तारीख का आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट क्यों डिक्लेयर मतलब डिले हो रहा है, ठीक है। हालांकि जेईटी के काउंसलिंग का शेड्यूल देखे तो उसमें 1 जुलाई से आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने का टाइम था, ठीक है, लेकिन रिजल्ट वो आपका 19 जून को था, जिसमें आपको बताया है कि जब आपका आंसर की जारी किया था वो भी 3 दिन डिले मतलब 3 दिन बाद में जारी किया था, ठीक है। आज 19 तारीख है और ऐसा माना जाए तो 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में जेईटी अपना रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर कर सकता है। बात ये सूत्रों के मुताबिक ऐसे सुनने में आया है कि जेईटी का रिजल्ट वो लगभग 25 तारीख के बाद में जारी किया जाएगा। तो आज का जो शेड्यूल था मतलब जो काउंसलिंग का शेड्यूल था आपका दिया हुआ कि 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगा, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका काउंसलिंग का शेड्यूल भी चेंज होगा। अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिसके तहत पे आपको बता सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग के शेड्यूल में भी क्या चेंज होगा, क्या फेर बदलाव होगा। तो माना ऐसा ही जाएगा कि आपका काउंसलिंग का शेड्यूल में भी बदलाव होगा और काउंसलिंग का शेड्यूल आपका पूरा बनकर नया आएगा। तो अब एक बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि काउंसलिंग का शेड्यूल अगर वापस चेंज होगा तो काउंसलिंग कब से शुरू होगा। अगर इस रिजल्ट के तहत पे ऐसा माना जाए तो आपका काउंसलिंग जेईटी का सेकेंड वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी कि 7 जुलाई के बाद में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी 100% श्योर नहीं कह सकते। हो सकता कि आपका 25 को रिजल्ट डिक्लेयर करके आपका मतलब उसी टाइम काउंसलिंग शुरू कर दे, लेकिन ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जेईटी ने नहीं दी है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से जब जोधपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उस टाइम कभी भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रही है, ये तुम सबको पता है, ठीक है। और इस बार भी वही वापस सीन देखने को मिला है कि ना 2021 में ना 2022 में हुआ था, ना 2023 में हो रहा है और ना ही 2024 में अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। एक एग्जाम को छोड़ दे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको शेड्यूल में दी थी उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है। हो सकता है कोई बहुत सारे टेक्निकल इश्यू इतना भी उनको फेस करना नहीं पड़ रहा है, नीट जैसे एग्जाम के रिजल्ट या फिर एनटीए हर रिजल्ट कोई भी जो डिक्लेयर करता है इतने बच्चों के साथ में जो दी गई डेट के अनुसार जारी कर सकता है, तो जेईटी क्यों नहीं, इसके लिए हमारे पास में कोई जवाब नहीं है। ये जेईटी बताएगा कि क्यों रिजल्ट डिले किया गया है। हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू हो गया या फिर अभी तक आपके आंसर की है जो भी आपने आंसर लगाए थे जहाँ पे पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, ओएमआर चेक नहीं हुई है, बहुत सारे रीजन बन सकते हैं। तो इंतजार करें, आप 25 तारीख के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब तक जब भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही मार्क्स आएंगे, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हो सकता किसी बच्चे के 2-3 नंबर ऊपर नीचे होगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन मोस्टली डिलीट हो सकते हैं, बाकी इस बार का ज्यादा कोई आपको फेर बदलाव देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि रिजल्ट सबको पता ही है, लेकिन ऑफिशियली अगर रैंक के साथ में रिजल्ट पता चलता तो उसमें बहुत सारी चीजों की आपको हेल्प मिलती थी, ठीक है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिली है वो आपको ने आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इंतजार नहीं करें कि जेईटी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। और एक चीज बता देता हूं कि जेईटी 2024 के लिए हमने ऑलरेडी पेड काउंसलिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। जिन बच्चे के डाउट्स हैं, अलग अलग कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं ये पेड काउंसलिंग का आप पोस्टर देख के पता कर सकते हैं कि इनमें आपको किन किन चीजों की हेल्प मिलेगी। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली आप रिजल्ट से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मार्क्स पता है, जिन बच्चों के 130 प्लस ओबीसी AWS और जनरल में मार्क्स हैं उन बच्चों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों का SC ST कैटेगरी में 100+ मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके इनसे कम मार्क्स आ रहे हैं उनको रिजल्ट के लिए इंतजार करना है, रिजल्ट के बाद ही आप फाइनली डिसाइड कर सकोगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो रैंक कार्ड के बेस पे होगा। अगर आज रिजल्ट आता तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती, लेकिन शेड्यूल पूरा अपोजिट चल रहा है, रिजल्ट के लिए कुछ समय के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। सुविधा के लिए हुई
अश्विदा के लिए हमें खेद है, सुविधा तो कौन सी थी यार, सुविधा तो कुछ मिल ही नहीं रही है, जो डेट बता रहे हैं वो आगे से आगे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो असुविधाओं के लिए खेद है, क्योंकि हम तो आपके समस्या को समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को इंतजार करना कितना बुरा लगता है। ठीक है, चलो कोई ना, जो भी है, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, तब भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपके पास में आएगी। थैंक यू वेरी मच।